स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन जगत में। नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खबर आ रही है। नियोजित शिक्षकों को 15% वेतन वृद्धि 1 अप्रैल 2021 से मिलना था, लेकिन अभी तक नहीं मिल रहे हैं। 6 माह पूरे बीत चुके हैं। आइए इस पूरी खबर को जान लेते हैं। नियोजित शिक्षक कर रहे हैं वेतन वृद्धि का इंतजार। दोस्तों, राज्य के सरकारी स्कूलों में नियोजित शिक्षक व पुस्तकालाध्यक्ष वेतन वृद्धि के इंतजार में है। यानी राज्य में जितने भी नियोजित शिक्षक हैं और पुस्तकालयाध्यक्ष हैं, उन सभी को वेतन की वृद्धि का इंतजार है। लगभग ये 4.25 लाख हैं और इन नियोजित शिक्षकों को 1 अप्रैल 2021 से 15% वेतन वृद्धि को मंजूरी दी गई थी। उसके बाद भी शिक्षा विभाग ने भी 29 अगस्त 2020 को इस वेतन वृद्धि को लेकर संकल्प जारी कर दिया था। यानी सरकार ने इसको पास कर दिया था, शिक्षा विभाग ने भी इस संकल्प को जारी कर दिया था और शिक्षा विभाग ने इसके लिए अलग अलग परामर्श और दिशा निर्देश जारी किया जाएगा ऐसा कहा था। और लेकिन उसके बाद भी 6 माह बीत चुके हैं और 6 माह बीत जाने के बाद भी ना तो बढ़ा हुआ वेतन मिला है और ना ही दिशा निर्देश इससे कोई जारी हुआ है, जबकि ये वेतन है 1 अप्रैल से देना था, लेकिन 6 माह बीत चुके हैं, इससे रिलेटेड कोई भी अभी जानकारी नहीं मिला है। शिक्षा विभाग ने जिलों से इस वेतन वृद्धि के मुताबिक खर्च होने वाली राशि का ब्यौरा भी मांग लिया था। उसके मुताबिक उसने मांग का प्रस्ताव मार्च 2021 में वित्त विभाग को भेज दिया था। विभागीय सूत्रों के मुताबिक वित्त विभाग की हरी झंडी अभी तक नहीं मिल रही। यानी दोस्तों, शिक्षा विभाग ने जो 29 अगस्त को जारी किया था और इसके बाद उसने कई दिशा निर्देश दिए। यानी उन्होंने जिला से सभी क्या खर्च पड़ेगा, नियोजित शिक्षकों में को जो पैसा देना है कितना खर्च आएगा, टोटल खर्चा कितना आएगा, ये सारा कुछ मांगने के बाद उसका पूरा ब्यौरा वित्त विभाग को भेज दिया। लेकिन वित्त विभाग की तरफ से अभी तक हरी झंडी नहीं दिखाई गई है। यानी वित्त विभाग ने अभी तक मंजूरी नहीं दी है। अगर वित्त विभाग मंजूरी दे देता है तो शिक्षकों को बढ़े हुआ वेतन मिल सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके और यहाँ पर एजुकेशन से संबंधित सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।